हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स। सो आप जैसे मेरा स्क्रीन देख रहे हो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, बहुत क्रूशल लेवल पे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर एक गैप रेजिस्टेंस है। ये गैप है 10,500 से लेके 10,300 के रेंज में। निफ्टी ऑलमोस्ट वो गैप के रेंज में ही है, तो पॉसिबल है वो गैप एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके यहाँ से नीचे चला जाए या फिर रेजिस्टेंस पूरा पूरा गैप फिलअप करके और ऊपर जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्लीन एंड क्लियर कि या तो अगर ये 9,900 ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, और अगर 9,900 ब्रेक नहीं करता है तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। बट ऊपर में अब जगह मुझे लगता है थोड़ी सी कम है, क्योंकि 10,300-350 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वहां पर गैप रेजिस्टेंस भी है प्लस वहां पे 100-day मूविंग एवरेज भी है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास ही है। थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट भी एनालिसिस करते हैं। नैसडेक अगर आप देखें ऑलमोस्ट डबल टॉप पे है एंड 52-week हाईस ने क्रॉस किया है, बट क्लोजिंग उसी के आसपास दिया है। सो हो सकता है ये डबल टॉप हो, क्योंकि अगर आप देखें ये फॉल एक शार्प फॉल था, रिकवरी भी शार्प ही आया है। तो हो सकता है 50% हमें रिट्रेसमेंट फॉल हमें देखने को मिले, क्योंकि वी शेप रिकवरी में कभी भी रेजिस्टेंस एक साथ क्रॉस नहीं करता है। नॉर्मली वी शेप रिकवरी में एक बार वापस फॉल आता है एंड देन इट विल क्रॉस। सो मुझे लगता है नैसडेक में एक बार वापस फॉल हमें देखने को मिल सकता है 8,400-8,300 के टारगेट के लिए। सो लेट्स से नैसडेक अगर यहाँ से क्रॉस कर लेता है ऊपर, हमारा मार्केट भी ऊपर ही जाएगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नैसडेक यहाँ पे डबल टॉप बना के गिरता है, इंडियन मार्केट में भी हमें फॉल कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो अब ये बहुत क्रूशियल लेवल है नैसडेक भी, और अगर आप डाउ जोन्स देखो तो डाउ जोन्स भी एक क्रूशियल लेवल पे ही है। ये एक रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के लिए और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास ही है 27,200-27,300। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के लिए। हो सकता है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट करके वापस से फॉल हो और पूरा का पूरा एक गैप फिलअप हो, क्योंकि ये फॉल बहुत शार्प था और इसका एक रैली हमें देखने को मिला है। सो हो सकता है यहाँ पे भी डबल टॉप बना के एक फॉल हमें देखने को मिले। सो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर। अभी फिलहाल बहुत क्रूशियल लेवल पे है मार्केट, डाउ जोन्स भी, नैसडेक भी और निफ्टी भी। निफ्टी भी अगर आप देखिए वापस 10,350 क्रूशियल लेवल होगा। अगर 10,350 क्रॉस कर लेते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला गैप, सेकेंड गैप, जो कि है 10,800 के आसपास। सो अगर 10,350 क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से, तो 10,750-800 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 10,350 क्रॉस नहीं कर पाते और यूएस मार्केट भी गिरना चालू होता है, डाउ जोन्स भी गिरना चालू होता है, नैसडेक भी गिरना चालू होता है, तो यहाँ पर निफ्टी एक टॉप बना सकता है और वापस एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है 9,600-9,500 तक के लेवल्स के लिए। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच है। मंडे काफी क्रूशियल डे रहेगा। 10,350 के ऊपर अगर जाते हैं तो बुलिश रहेगा, 10,350 क्रॉस नहीं कर पाते और वापस अगर फॉल आता है तो वापस हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन इसलिए देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर आप देखें ये एक वन साइडेड रैली है 9,000 से लेके 10,200, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का रैली है इन जस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन, 8 दिन में। तो बहुत एबनॉर्मल रैली है, बहुत फास्ट रैली हुआ है। तो ऑब्वियसली एक फास्ट फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, रिट्रेसमेंट फॉल, तो जो कि मुझे लगता है यहाँ तक हो सकता है 9,600-9,500 तक। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। 10,350 के अराउंड देखना पड़ेगा निफ्टी को। 10,350 अगर क्रॉस नहीं करता है तो वहां से एक काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है 9,600 के टारगेट के लिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें एक रेंज में चल रहा है और 21,600-22,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, ये 22,000 and 21,600। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है 19,500-19,200 तक, जो कि ये पूरा रैली का रिट्रेसमेंट फॉल होगा। सो ये भी एक क्रूशियल लेवल पे है, वेट एंड वॉच है। 21,600-22,000 अगर क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली फिर टारगेट्स होंगे 25,000 तक के। यहाँ तक सीधा 3,000 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिल सकता है अगर 22,000 क्रॉस कर लेता है तो, और अगर क्रॉस नहीं कर पाता है देन 19,500-19,200 ये
टारगेट्स होंगे जो कि रिट्रेसमेंट फॉल होगा ये एंटायर रैली का। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट रैली है इन जस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन, 17000 से 21000, 4000 पॉइंट का रैली है इन जस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन। सो ऑब्वियसली एक स्टीप फॉल हमें देखने को मिल सकता है एनी टाइम। सो लेट सी, वेट एंड वॉच। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा था 10300 के आसपास, 10350 क्रूशियल लेवल होगा एंड बैंक निफ्टी के लिए 21600 22000 क्रूशियल लेवल होगा। सो ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ग्लेनमार्क फार्मा सेल दिया था, ये स्टॉक ट्रिगर ही नहीं हुआ। मैंने आपको ग्रासिम बाय दिया था 613 के आसपास, 625 630 के आसपास ये जाके आया और इसमें काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बना। जसडायल मैंने आपको सेल दिया था 403 के नीचे, ये 403 के नीचे गया बट 399 तक लो बनाया और उसके बाद वापस रिवर्स हुआ है। सो इसमें ऑलमोस्ट हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हुए। सो एक ग्रासिम ही एक ट्रेड था जिसमें काफी अच्छा पैसा बना। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक डिस्कस करेंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें ये एक गैप है और ये पूरा का पूरा गैप फिलअप कर चुका है, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस है 196-195 के आसपास और ये एक रेजिस्टेंस है 200 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है 195-200 तो डेफिनेटली एक काफी बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है 230-240 तक के लेवल्स के लिए। अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है, ये जस्ट गैप फिलअप करके वापस यहाँ से फॉल आता है तो वापस मुझे लगता है इसमें 165-170 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये बहुत शार्प रैली हमें देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली एक शार्प फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है 165-170 के टारगेट्स के लिए। सो इसमें भी वेट एंड वॉच है। इसका रिजल्ट के बाद एक पॉजिटिव अपमूव हमें देखने को मिला है बट 195-200 ये बहुत क्रूशियल लेवल होगा SBI के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा MGL। MGL अगर आप देखें काफी एक्सट्रीम नेगेटिव पैटर्न है। ये एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे MGL ने, ऊपर गया एंड वापस ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक कर देता है तो एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है। तो MGL काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा मंडे के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो MGL काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा तो मंडे के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल था और ये दोनों कैंडल इसके इनसाइड कैंडल ही है। सो अब वेट एंड वॉच है। अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है, ऊपर का लेवल इसका हाई क्रॉस कर लेता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो अमर राजा कैन बी अ वेरी गुड बाय अबाउट 677। अभी फिलहाल नहीं है, अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। कौन से लेवल पे ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा बट इसमें भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसमें वेट एंड वॉच है। 677 पे देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट होता है या वापस फॉल होता है। लास्ट स्टॉक होगा हैवेल्स। हैवेल्स अगर आप देखें हैंगिंग मैन पैटर्न है एंड ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन पैटर्न है विच इज अ नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव सेटअप। अगर ये हैंगिंग मैन का लो तोड़ता है 558-559 अगर लो तोड़ देता है तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉलो में देखने को मिल सकता है 520-530 के लिए। सो हैवेल्स काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।